नेक्स्ट यदि मुझे इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, ग्रेटर तो देन इक्वल टू 25 जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 25। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब मॉडुलस एक्स की वैल्यू 5 और 5 से कम, तो इसका मतलब किस किस के बीच में, माइनस 5 से 5, माइनस 5 से 5। तो ये इसका डोमेन हो गया, डोमेन इज माइनस 5 टू 5। This is the domain of this function. इसमें किसी को डाउट? ये क्लियर है? Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं रेंज की। रेंज मुझे पता है 0 टू 5 आएगा। कैसे आएगा अभी बता रहा हूं। ये y हो गया, y स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया 25 माइनस y स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ 25 माइनस y स्क्वायर, तो 25 माइनस y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 25, बट y कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं हो सकती, इसलिए y की वैल्यू आएगी 0 टू 5। 0 टू 5 आया, समझ में क्लियर है? यस सर। अब बेटा एक प्रॉब्लम, मैं डोमेन और रेंज की सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं जो जो पूछ सकता हूँ वो लिख लिया। एफ एक्स है हमारा ये वाला, इसका रेंज पूछा जाएगा, रेंज डोमेन तो आ रहा है क्योंकि नीचे तो जीरो हो ही नहीं सकता, नीचे तो डोमेन आना रेंज जीरो हो नहीं सकता, इसका रेंज पूछा जाएगा। What will be the range? अब इसका range कैसे निकालेंगे ये देखो, तो fx है y, cross multiply कर दिया, तो x square की value y upon 1 minus 1। तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ माइनस y अपॉन 1 माइनस 1, माइनस y अपॉन 1 माइनस y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉरी y माइनस 1। अब ये माइनस हटाओ, नंबर लाइन पर ये जीरो हो रहा है और ये वन हो, बोलो वाई की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव तो जीरो तो ऊपर आ रहा है तो ये तो होगा लेकिन वन नहीं होगा, वाई बिलोंग्स टू आ गया आपका, जीरो तो आएगा लेकिन वन नहीं आएगा, जीरो तो आएगा लेकिन वन नहीं आएगा, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1।
ये क्लियर है? yes, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका रेंज डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसकी बात कर रहे हो तो अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो डोमेन के लिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। फैक्टर हो गए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, ना तो एक्स की वैल्यू टू आएगी ना एक्स की वैल्यू थ्री आएगी, इसका मतलब इसका डोमेन आ गया आर माइनस टू कोमा थ्री। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. तो ये इस तरह से इसका डोमेन निकलेगा यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। क्लियर? और देखो सबों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एफ एक्स है आपका टू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसका रेंज क्या होगा? अब देखो यहाँ पर रेंज कैसे निकालेंगे जब ये कंडीशन गिवन है, तो आप जो गिवन है पहले उसको लिखो एक्स ग्रेटर देन जीरो ना मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये बनाऊंगा सॉरी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। ना मल्टीप्लाई बाय फाइव, फाइव एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, नाउ एट टू, तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन टू, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा आएगी? टू से ज्यादा, तो रेंज हो गया टू से इंफिनिटी, टू भी इंक्लूड नहीं होगा बेटा, टू टू इंफिनिटी, तो इसकी रेंज होगी टू टू इंफिनिटी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब सवाल मैंने बोल दिया अंडर रूट ऑफ फाइव एक्स माइनस सेवन, इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है, इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। अब कैसे निकालूंगा समझो, 5x माइनस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डोमेन के लिए, डोमेन 5x माइनस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 7 बाय 5 और उससे ज्यादा, तो डोमेन हो गया 7 बाय 5 और उससे ज्यादा, कोई दिक्कत? नो सर। अब रेंज एफ एक्स को वाई ले लो, स्क्वायरिंग कर दो, तो 5x आ गया वाई स्क्वायर प्लस 7, तो x आ गया वाई स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 5, तो y को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस y क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता, सो देयरफॉर y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेंज आ गया आपका 0 टू इंफिनिटी, कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट? क्लियर? बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट
find the range of इसका रेंज निकालना है. We have to find the range of this function. 3 - 7 modulus 4x - 3. अब कैसे निकालेंगे समझो. Modulus 4x - 3 must be greater than equal to 0. मॉडुलस की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से ज्यादा होगी. तो मल्टीप्लाई बाय -7. इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3. तो 3 और 3 से कम. 3 और 3 से कम. इसका रेंज आ गया आपका 3 और 3 से कम मतलब -∞ to 3. कोई दिक्कत? नो सर. सबको क्लियर है? बोलो बेटा. अरे बाकी लोग कहाँ गए? क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. अब देखो इधर आगे. देखो मैंने कुछ टाइप के फंक्शन बताए थे. पहला फंक्शन बताया था आपको कांस्टेंट फंक्शन. इनका डोमेन और रेंज हमें पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट पूछेगा. दूसरा बताया था आइडेंटिटी फंक्शन. तीसरा बताया था हमने मॉडुलस फंक्शन. चौथा बताया था सिग्नम फंक्शन. फिफ्थ बताया था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इन पांचों के डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछेगा आपसे. कांस्टेंट फंक्शन. अब एक एक करके मैं ग्राफ भी बताता जा रहा हूं तुम्हें और इनका डोमेन और रेंज भी बताता जा रहा हूं कि डोमेन और रेंज क्या होगा. देखना कांस्टेंट फंक्शन की यदि मैं बात करूं तो एफ एक्स इक्वल टू के, के कोई कांस्टेंट है बेटा. एक्स कुछ भी रख सकते हो, तो डोमेन तो हो गया हुआ, लेकिन कुछ भी रखो मिलेगा हमेशा क्या के. तो रेंज एक सिंगल फंक्शन हो गया. आया समझ में? एफ एक्स इक्वल टू के मतलब वाई इक्वल टू के. वाई इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट. ग्राफ ऐसा होगा जैसे ये है आपका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो वाई इक्वल टू के एक हमेशा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्या क्लियर है? यस सर. अब आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स. तो बेटा जो रख रहे हो वही मिल रहा है. तो डोमेन और रेंज आ रहे हैं. डोमेन और रेंज. सेकंड क्लियर है? सेकंड क्लियर है? यस सर. यस सर. अब तीसरा फंक्शन है मॉडुलस एक्स. एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. पर डोमेन में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन रेंज जो है उसने बोला पॉजिटिव आएगी. तो पॉजिटिव कहां से पॉजिटिव स्टार्ट होगा? 0 टू इन्फिनिटी. इसके लिए 0 टू इन्फिनिटी है. दिस इज द मॉडुलस फंक्शन. ये आपका मॉडुलस फंक्शन. डोमेन आर और रेंज 0 टू इन्फिनिटी. क्लियर?
Yes, sir. Now signal function. Fx equal to mod x upon modulus x. अब बेटा ये तो तब है कि जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो x इक्वल टू जीरो. ये सिग्नम फंक्शन के लिए इसको मैं और डिफाइन करूं. यदि x पॉजिटिव है मॉडुलस x की वैल्यू x होगी, x नेगेटिव है मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x होगी, x जीरो है तो जीरो. तो बेटा डोमेन तो r लेकिन रेंज आपकी तीन ही वैल्यू आ रही है बस, 1 माइनस 1 जी. सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. तो सिग्नम फंक्शन का रेंज होगा 1 माइनस 1 जी. ये क्लियर है? यस सर. किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर. अब मैं बात कर रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. जैसे मैंने एग्जांपल बोला तुमसे इससे समझ में आएगा. मैंने बोला 3.12, इसकी वैल्यू आएगी 3. मैंने बोला 5.95, इसकी वैल्यू आएगी 5. मैंने बोला 6.87, तो इसकी वैल्यू आएगी 6. मैंने बोला -4.21, इसकी वैल्यू आएगी -5. -7.93, तो इसकी वैल्यू आएगी -8. ये कहलाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो इसका डोमेन होता है कुछ भी रखो लेकिन रेंज में सिर्फ इंटीजर्स आएंगे. जेड मतलब इंटीजर्स, ओनली इंटीग्रल वैल्यू आएगी और कुछ नहीं. तो ये इसका रेंज हो गया. ये पांच फंक्शन में से आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है डोमेन रेंज. क्लियर है? क्लियर? यस सर. तो ये तो भाई देखो मैंने फंक्शन कितनी जल्दी से आपको पूरा रिवाइज करवा दिया. ये फंक्शन का लाओ काम था, इतना सा है ये फंक्शन. अब रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन में मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ. रिलेशन में कुछ भी नहीं, ये आपका देखो सेकंड चैप्टर रिवाइज हो. तो आपको यदि रिवाइज करना है बेटा अगर आजकल और तुम दोनों को जीजीएस की एग्जाम, तो कल इवनिंग की क्लास में अपन रिवाइज करेंगे. ऐसे जो तुम बोलोगे वो रिवाइज करवा दूंगा मैं ऐसे. है बेटा? ठीक है ना? यस सर. तुम तो बता देना कौन सा चैप्टर रिवाइज करवाना, मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है. मैंने इसमें सारी आपको देख लो सारी प्रॉब्लम कवर कर ली मैंने जितनी भी थी. किसका है? सर मेरा 12 को है ना. तो बता देना बेटा क्या क्या रिवाइज करो. अब जैसे रिलेशन की बात करें, एक तो पूछा जा सकता है बेटा नंबर ऑफ रिलेशन. नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे आपके 2n. ये नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे भाई. ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2n. अब रिलेशन कैसे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 1, 2, 3 up to 15 या 20. रिलेशन आर मैंने डिफाइन कर लिया x कोमा वाई सच दैट 5x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और x y बिलोंग्स टू आर ए. तो बताओ आर क्या होगा? यदि मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू 5 मिलेगी. x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 10 मिलेगी. 3 रख रहा हूँ तो 15 मिलेगी. 4 मिलेगी रख रहा हूँ तो 20 मिलेगी. इससे ज्यादा मैं रख ही नहीं सकता क्योंकि दोनों एलिमेंट वो ए में से आ रहे हैं. ये आपका रिलेशन हो गया बेटा. आया? यस सर. डोमेन क्या हो गया इसका? 1, 2, 3, 4. रेंज क्या हो गया इसका? 5, 10, 15, 20. अच्छा कोडोमेन क्या हुआ इसमें?
इसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है, कोडोमेन क्या हुआ ए, कोडोमेन क्या होगा ए, आई बात समझ में, क्योंकि दोनों ए को बिलोंग कर रहा, तो जो वाई को बिलोंग करेगा, वाई जिसको बिलोंग करेगा वही कोडोमेन होगा यदि गिवन है, नहीं गिवन है तो कोई बात ही नहीं। ये आ गया समझ में, आया एक और ले लो, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है लेकिन पूछी जाती है, ए इज डिविजिबल बाय बी और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल, दोनों ए में से है, ए जो है बी से डिविजिबल है, डोमेन और रेंज तो निकाल ही लेंगे, बोलो पहला एलिमेंट क्या आएगा, बोलो वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, वेरी गुड, फिर 2,1, वेरी गुड, 3,1, 4,1, 6,1, फिर अगला 2,2, 4,2, 6,2, 3,3, 6,3, 4,4, 6,6, आ गया समझे? यस। इसमें किसी को डाउट है?